This video contains type of vectors. There are following types of vector. Part 1. Equal vectors. Vectors having same magnitude and direction are called equal vectors. Here AB equal to vector CD, AB vector equal to vector CD, or AB ka modulus magnitude, here AB ka modulus is equal to CD ka modulus or CD ka magnitude. Equal vectors kya hai? Equal vectors mein hai jinki direction bhi same hai aur magnitude bhi same hai aur parallel to honge hi, kyunki jab equal mein jinki direction same hai to parallel bhi honge. So there are three conditions. The magnitude are equal, direction is same, and vectors are parallel. Number 2, null vector. Yeh null vector or usko zero vectors bhi kehte hain. The vectors whose initial and terminal point are same. Ve vectors jinke initial point or terminal point same hain, ya aur unka jo magnitude hai woh zero hai aur unki jo direction hai woh arbitrary hai, woh koi bhi direction ko acquire kar sakte hain. Here we are explaining so like vectors AA, BB, CC. Is tarah ke jo vectors honge wo null vectors kehlayenge aur unka jo magnitude hoga wo ya magnitude ya modulus, kyunki modulus bhi jo vector ka jo modulus nikalte hain wo vector ka magnitude ya length hi hota hai, to unka jo modulus hoga wo zero hoga aur wo vectors AA, BB, CC type ke vectors jo honge wo null vectors honge. Ab aata hai third number pe, unit vectors, very important vectors. The vector whose magnitude is unity is called unit vector, denoted by cap. E, for example, A cap, B cap, C cap, etc, and their magnitude or modulus is equal to 1 unit or unity. यानी वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, वे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं. यूनिट वेक्टर्स निकालते कैसे हैं? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 यूनिट वेक्टर, यानी 1 बच जाएगा और डायरेक्शन बच जाएगी, यानी यूनिट वेक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा. यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं और उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हो, यूनिट वेक्टर मिल जाता है. तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, तो वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है. अब नंबर आता है नेगेटिव वेक्टर. द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स. वे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे ए बी है, यहां पर 5 मीटर उसकी लेंथ है वेक्टर ए बी की, और एक सीडी वेक्टर है उसकी भी 5 मीटर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो ये क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल, जिनको मॉडुलस है वो तो सेम है, ए बी का मॉडुलस इज इक्वल टू सी डी का मॉडुलस, बट ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस सी डी. इसका मतलब जो सी डी की जो डायरेक्शन है वो ए बी के अपोजिट है, इसलिए निगेटिव वैक्टर्स हुआ किसका, ए बी का. नेक्स्ट 4, 5 नंबर पे आता है कोलिनियर वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स. द वेक्टर्स 2 or more than 2 आर पैरेलल टू पैरेलल सपोर्ट और सेम सपोर्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. वे वेक्टर्स जो किसी पैरेलल सपोर्ट के
पैरेलल हों या सेम सपोर्ट के पैरेलल हों या किसी दी हुई लाइन के पैरेलल हों या एक ही लाइन पे लाई करते हों, वो सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। यहाँ पर दिखाया गया है फिगर वन में, पहले में मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दूसरे में मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है, थर्ड में एक ही सपोर्ट पे या एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं ए और बी, फोर्थ में उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, फिफ्थ में एक ही लाइन पे सपोर्ट कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड हैं और सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ये तो इस तरह से जो वेक्टर्स होंगे उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस कुछ भी हो, लेकिन वो किसी पैरेलल लाइन के सपोर्ट पैरेलल हैं या सेम लाइन के पैरेलल हैं या सेम लाइन पे लाई करते हैं या पैरेलल लाइन के किसी लाइन के पैरेलल हों, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।